एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस बताना। अच्छा कौन सा एड्रेस? ये मैडम यहाँ से राइट जाना है। प्रीति मनीषा कैसी हो यार? हाँ पूरा बिंदरिया और बुनी गंदे हाथों से मुझे छू रही है। नहीं यार मैं पूरा नहीं बिंद रही हूँ, वो मेरी मम्मी ने कड़ा दिलवाया था ना, वो पता नहीं कहाँ। अबे चल चल ज़्यादा बहाने मत बना, मुझे पता है कूड़ा बिन रही है। देखिए हमें कितनी पन्नियाँ पड़ी हैं, उठा ले बेच के कुछ कमा खा लेना। सही है? नहीं मनीषा मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या कर रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये सब छोड़ो यार, मेरी मदद करो, देखो कहाँ पे गिरा है ढूंढवा दो। हाँ तू कहने क्या चाहती है? ये कूड़ा मैं भी लूँगी। नहीं कूड़ा नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे हाथ की काड़ा थी यार, जन्मदिन पे मम्मी दी थी। मेरी तो मेरे से कूड़ा उठाएगी? अरे मेरे को ना सच्ची यार मैं झूठ नहीं बोल रही, पर मदद तो कर देना, क्या पता तेरी आंखों को दिख जाए। मैं झूठ तो ना बोलूँगी। तेरी आंखों से नहीं दिख रहा है, मेरी आंखों से तो साफ ही क्या। मेरे से बात मत कर, चल मेरे को ढूंढने दे। अभी ईगो किसे दिखा रही है? किस बात का ईगो? यार देख पहले ना मैं कड़ा ढूंढूंगी फिर मैं बात करूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी का दिया हुआ है। मेरे को ना इस पानी में लपेट के मारूंगी अगर ज़्यादा मेरे से बकवास की तो। यार मैंने एड्रेस बता दिया ना, निकल यहाँ से। ऐसे नहीं मानेगी, मतलब जुबान लड़ाएगी। इतनी बड़ी नहीं हुई है, ना ही तेरी औकात मेरे सामने बोलने की। रह सकती है? अबे चुप चुप खड़ी रह, मुझे ऐसे इग्नोर करेगी। मतलब तेरा टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे ना सर बात टाइम की नहीं है, बात उस कड़े की है। मैंने बोला ना मेरी मम्मी दिलवाई है जन्मदिन पे, वो इम्पोर्टेंट है यार। मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट है, तोहफा है। एक घंटा तोहफा है और चुपचाप बाहर निकल। अभी क्या कर रही है बदतमीज औरत है, इसको समझ नहीं। मैंने बोला था ना कि मेरी मम्मी का दिया हुआ तोहफा है जो गिर गया है और मुझे मिल नहीं रहा था, मैं काफी देर से ढूंढ रही थी। क्या हुआ? तुझे ये लग रहा था कि मैं कूड़ा बिनने वाली हूँ? हाँ तो कूड़ा बिनने आई होगी, तुम गिरा दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिमाग है या नहीं है? डब्बा है। तो अभी यहाँ क्या कर रही है कूड़ेदान में तू? मैं डेली यहाँ पे घूमने आती हूँ, ठीक है, वॉकिंग करने आई थी, अचानक से मेरे हाथ से गिर गया। मुझे नहीं पता चला था कहाँ पे गिरा है, मैं काफी देर से ढूंढ रही थी। इतने में तू आ गई और तुझे लगा मैं कूड़ा बिनने वाली हूँ। अरे पहली बात तो तमीज में बात कर, आप करके। तुझे पता है इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ मैं, मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, जो कि तू सपने में सोच भी नहीं सकती है। तुझे तो जलन हो रही होगी कि तेरी फ्रेंड की इतनी अच्छी जगह जॉब लग सकती है, 50,000 रुपये सैलरी है ना? नहीं मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम उस इंसान का जॉब लगा जो पढ़ने में बिल्कुल डब्बा था। कहना क्या चाहती है? मुझे गवार कहना चाहती है? मैं ना भले ही पढ़ाई लिखाई कम की हो, पर हाँ अच्छी जगह काम तो कर रही हूँ, अच्छे पैसे कमा रही हूँ, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। तू दे सकती है? कूड़ा बिन के घर का गुजारा कर रही है, कबाड़न कहीं की। इतनी देर से मैं अगर तुम्हारी बात सुन रही ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जी में जो आएगा ना तुम बोलती जाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कूड़ा बिनने वाली हूँ? किस कंपनी में काम करती हूँ जो इतना ज़्यादा तुम्हें घमंड है? PS Enterprises। PS Enterprises फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है बे, मैं काम करती हूँ और सैलरी देती हूँ तमीज़ से, ठीक है? और अगर नहीं पता ना तो अपने फ़ोन में सर्च कर लो। इतने टाइम से कंपनी में काम कर रही हो और तुम्हें कंपनी का पूरा नाम तक पता नहीं है? क्या हुआ? और जो तुम्हें जॉब मिला है ना वो खैरात में मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारे डेजिग्नेशन जो है ना मैनेजर जो बन के घूम रही हो, ये तुम्हारे टैलेंट में नहीं मिला है। मुझे पता था कि तुम पढ़ने में अच्छी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें सोचा एक मौका दे देती हूँ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड को, जो बचपन की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मानती हूँ कि बचपन में तुमने भी कई एहसान किए थे, उसी एहसान को अदा करने के लिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं जॉब दे देती हूँ। और मैंने पता भी नहीं लगने दिया कि मैं उस ऑफिस की मालकिन हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा फील ना हो, क्योंकि तुम्हें अमीरी और गरीबी का ना जज करने की आदत अभी भी नहीं गई। मुझे लगा क्या पता तुम अब सुधर जाओ, लेकिन नहीं, अभी भी तुमने कोई बदलाव नहीं आया। जैसे तुम पहली थी वैसे तुम आज भी हो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वहाँ की मार्केट तुम हो। तुम नहीं, आप। और साइड हटो।